हेलो फूडीज, होप यू मिस्ड मी। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक झटपट गाजर का हलवा की रेसिपी, जिसमें 1 किलो गाजर, 1 पाव खोया और आधा कप चीनी मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ। आखिर में 2 चम्मच देसी घी और मावा अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इन गाजरों को मोटा मोटा काट लूँगी। अब इस मोटी कटी हुई गाजर को मैं फूड प्रोसेसर में डाल दूंगी और इसको बारीक होने तक चलाऊंगी। पंद्रह सेकंड में ही गाजरें कुछ इस तरह से हो जाएंगी और आप इसे कद्दूकस करने के झमेले से। अब इन कसी हुई गाजरों को कुकर में डाल दें, गैस पे रखें और इसको ढक्कन लगा दें। जैसे ही इसमें प्रेशर बने तो 1 सीटी आने पे, 1 सीटी के बंद करने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा और अब इसको हम गैस जला के सुखाएंगे। इसका जो पानी है वो करीबन इतना सा होता है और इसको पूरा सुखा दिया जाएगा। 10 मिनट तक सुखाने के बाद पानी सारा सूख गया है और अब हम इसमें खोया डाल दें। खोया डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर से इसको पकाना है। खोया मिक्स होने के बाद हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे जब तक कि ये सूख नहीं जाता। लगभग 5 मिनट भूनने के बाद ये थोड़ा नीचे लगने लग पड़ा है मावा के साथ, खोया के साथ। तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और अच्छी तरह से हिलाएंगे। याद रखिए करछी को आप लगातार चलाते रहें ताकि नीचे ना लग जाए ये हलवा। 5 मिनट और भूनने के बाद अब ये ऑलमोस्ट बन गया है, तो इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो आधा कप बादाम और काजू को हल्का सा भून के और पीस के इसमें मिला सकते हैं और इसका हलवे का पूरा आनंद ले सकते हैं। अब ये हलवा बनके तैयार है, तो आप इसे झटपट हलवे को एंजॉय करें। लीजिए क्विक एंड इजी गाजर का हलवा, जो कि बेहद स्वादिष्ट है, वो बन के तैयार है। लीजिए, इसका मज़ा लीजिए।